गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट में हुए हादसे के बाद 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं उसी रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे मुरादनगर आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। पुलिस ने पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया है और जिसके चलते यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? फारूक। कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। कब से फंसे हुए जाम में? मैं 8:30 बजे से। कुछ बताया गया कि किस लिए? नहीं बताया गया अभी कुछ। तो देखिए, ये लोगों की परेशानियां हैं, उन्हें किसी तरह का कुछ बताया नहीं गया, लेकिन बैरिकेड करके पूरा रास्ता रोक दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार फिर हम सड़क आपको दिखाते हैं। ये गाजियाबाद के मुरादनगर की वही सड़क है, इससे कुछ किलोमीटर आगे ही वो घटना की जगह है जहाँ पर 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस लिए रोड अभी फिलहाल जाम किया गया है? कल जो शमशान घाट में जो दुर्घटना हुई है, जो करीब 24 लोग खत्म हो गए हैं, तो उसी को लेकर के थाने पे, मुरादनगर थाने पे जाम लगा रखा है अपने मुआवजे की मांग को लेकर के। मृतक के परिजनों ने जाम लगाया? हाँ, उन्हीं परिवार लोगों ने लगा रखा है, तो जिसमें ये डाइवर्जन किया जा रहा है, जो मेरठ जाने वाले हैं या और आगे जाने वाले हैं उनको ये डासना होकर के फ्लाईओवर फेरी वे होकर के उनको डाइवर्जन किया जा रहा है यहाँ से। कब से बंद है और कब तक बंद रहेगा, कोई सूचना है अभी? नहीं, जब उच्च अधिकारी का आदेश होगा तो ये खुल जाएगा, उच्च अधिकारी का आदेश से ही मतलब ये बंद है। देखिए, इन्होंने बताया कि ऊपर से आदेश है जिसके चलते रास्ते को बंद किया गया है और आगे मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर रखी है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।